अच्छा मैं चेक करूंगी मैं कहीं हूँ अभी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله मेरे ख्याल में अपने फ़ोन की अगर बेल सब ऑफ़ कर दें तो क्लास डिस्टर्ब होने से बच जाएगी, सभी ऑफ़ कर दें, अच्छा रिमाइंडर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक अता फरमाई कि आज हम अल्लाह के घर में जमा हुए हैं दीन की बातों को सीखने के लिए। जिस वक्त से आप घर से निकले हैं, आप जब तक यहाँ रहेंगे और घर पहुँचेंगे वापस, आप उस वक्त तक अल्लाह के रास्ते में, कितनी बड़ी सआदत है कि अल्लाह के रास्ते में होना। और जब आप अल्लाह के रास्ते में होते हैं, जो दुआएं आप करते हैं वो भी कबूल होती हैं, और आप ऐसे ही हैं कि हर हर कदम के ऊपर आप अजर समेट रहे हैं। हर हर जो आपकी गाड़ी का टायर मूव हुआ है ना, उसके ऊपर भी आपको अजर मिल रहा है, क्योंकि आप अल्लाह ताला की बात को सुनने के लिए जा रहे हैं। और स्पेशली अल्लाह के घर में जमा होना, इसकी तो सआदत और ही ज़्यादा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक अता फरमाई। ये हमारी पहली क्लास है मरियम मस्जिद में, मेरा फर्स्ट टाइम यहाँ पे पढ़ाने का है। इससे पहले तो न्यूजर्सी में पढ़ाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि आज खुशी हुई कि आप लोगों को पढ़ाने का अल्लाह ताला ने मौका अता फरमाया। इस दुआ के साथ हम शुरू करेंगे कि अल्लाह ताला इस इल्म को हमारे लिए इल्म नाफे बना दे, और अल्लाह ताला इसको हमारे लिए हमारी आखरत में तोशा बना दे। अल्लाह ताला हमारे अमल में ले आए उन बातों को जो आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं, और अल्लाह ताला इसकी बरकात हमारी ज़िंदगी में दिखाए। हम पहले शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला सीरे सहाबा से, क्योंकि ये एक ज़रा आपकी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन मांगता है ये सब्जेक्ट। आदाब ज़िंदगी को हम बाद में देखेंगे, इसलिए क्योंकि सीरे सहाबा वाला जो सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर मुझे आपकी पूरी तवज्जो चाहिए होगी, पूरी आपकी फोकस कहीं और नहीं होना चाहिए, आपके पास नोटबुक्स होनी चाहिए और आप लिखते जाएंगे, ठीक है। जो पीछे बैठ रहे हैं बेशक वो आगे आके बैठ जाएं, क्योंकि इसमें कोई बुक हम फॉलो नहीं कर रहे। ये दो किताबें तो आप मेरे सामने देख रहे हैं ना, इस तरह की पांच किताबें मेरे पास घर में हैं, जिनमें से अब मैं आपको पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो अब सारी यहाँ पे आ नहीं सकती थी, लेकिन अदरवाइज इतनी सारी किताबों में से ये है, तो इसलिए मैं आपको कोई एक बुक का नाम नहीं बता सकी। तो अगर आप लोगों को बुक कोई भी मिलती है ऑथेंटिक किसी राइटर की, तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इंशाल्लाह जो आपको मैं नोट्स बनवाऊंगी ना, तो इंशाल्लाह वो ऐसे होंगे कि आप उनसे ही फायदा उठा सकते हैं, और वो काफी होगा, वो निचोड़ होगा उन सारी किताबों का जो मैं आपको बता रही हूँ। जो बातें तो आप लिख सकें पॉइंट्स में, मैंने हेडिंग्स के साथ आपको लिखवाऊंगी, जो लिख सकें तो बहुत अच्छा है, जो मिस हो जाए तो कोई मसला नहीं है, आप इसकी रिकॉर्डिंग घर पे जाके सुन सकते हैं इंशाल्लाह ताला। आज जो हम पहला सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं सीरे सहाबा, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों में से अक्सरियत ने इससे पहले सीरत पढ़ चुके, सीरतुल नबी का कोर्स आप लोग कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सीरत में आपने जैसे कि देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को, यानी शुरू से पैदाइश से लेकर वफात तक, कैसे हमने कवर किया एक एक वाक्य को, कोशिश की कि हर एक वाक्य की डिटेल भी हमें मालूम हो।
आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीरे सहाबा। सीरे सहाबा में आपको उस तरह से डिटेल नहीं मिल सकेगी जैसे सीरतुन नबी है, क्योंकि बहुत स्कैटर्ड है और खास तौर पर बड़े बड़े सहाबा की तो जिंदगी में फिर भी आपको ज्यादा मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन जो बाद के सहाबा हैं या जो दूसरे सहाबा कराम हैं जो बहुत वेल नोन नहीं है, उनकी जिंदगियों पे बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं मिलेगा। आप देखें हज्जतुल विदा पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी फोन के बंद कर दीजिए आवाज को, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। तो 1.25 लाख सहाबा कराम उस वक्त वहां पर जमा थे हज्जतुल विदा में, लेकिन आप सबके नाम नहीं देख सकते, सबके नाम आपको नहीं मिलते, चंद हजार के मिलते हैं। और अगर जिंदगियों पे नजर डालें तो चंद सौ की जिंदगियों के अलावा हमें बहुत ज्यादा नहीं जिंदगियों की बहुत डिटेल मिलती, ठीक है। अब हम आज इंशाल्लाह शुरू करने से पहले देखते हैं कि सीरे सहाबा का मतलब क्या है। सीरे सहाबा, सीर मतलब है कि बायोग्राफी, लाइफ हिस्ट्री, हालात जिंदगी, और सहाबा, सहाबी किसको कहा जाता है, कोई इसकी जामे तारीफ बताएगा? साथ उठना बैठना, जिन्होंने आपसे सलाम की सोबत। अच्छा जी, अभी भी इनकम्प्लीट है, थोड़ा थोड़ा कंप्लीट होता गया लेकिन वहां तक अभी भी इनकम्प्लीट है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जिन्होंने मुलाकात की ईमान की हालत में, और ईमान की हालत में ही वो फौत हुए, वो सहाबी कहलाते हैं, ठीक है। तो जरूरी है कि ईमान की हालत में मुलाकात की, साथ तो उनके अबू जहल और अबू लहब वगैरह भी थे, ठीक है ना, तो लेकिन ईमान की हालत में उनको देखा और ईमान की हालत में उनको मौत आई, वो सहाबी कहलाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक शख्स ऐसा भी है जो मुर्तद हो गया तो वो तो सहाबी नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो सहाबी उसको कहते हैं कि जो वफात भी उसने ईमान की हालत में पाई हो, ठीक है। अब हमने जब सीरतुन नबी पढ़ी और कुरान पाक में भी आप देखते हैं, तो हमारा मकसद यही था कि हम उसमें से अपने लिए सबक लें और अपनी जिंदगी में इसको अप्लाई करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया लकद कैना लकुम फी रसूलुल्लाह उस्वतुन हसन, तुम्हारे लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात में बेहतरीन नमूना है। तो हमने उसमें बहुत कुछ सीखा अपने लिए। अब क्या सहाबा कराम की जिंदगी में भी हमारे लिए नमूना है और क्या उसको भी हमें फॉलो करना है? तो सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया फइन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फकद इहतदौ, अगर तुम ऐसा ईमान लेकर आओगे जैसा वो ईमान लेकर आए तब तुम हिदायत याफ्ता हो, तब तुम्हें हिदायत मिली। यानी आपके ईमान का लेवल कैसा होना चाहिए? सहाबा जैसा। बेशक के उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई, और जो उनके ईमान का लेवल है उस दर्जे को नहीं भी पहुंच सकते, लेकिन कम से कम उस तक पहुंचने की कोई कोशिश कर सकते हैं, कम से कम अपने कदम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ताकीद फरमाई है कि तुम मेरी सुन्नत और मेरे बाद खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ना, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपके बाद सहाबा का तरीका, वो भी हमारे लिए इत्तेबा के लिए हैं, वो भी हमारे लिए नमूना हैं, उनसे भी हम सीखते हैं, क्योंकि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसा करते देखा वैसे ही चले। लिहाजा उनकी जिंदगी भी हमारे लिए इतनी जरूरी है जाननी। और सबसे बड़ी बात ये कि सहाबा कराम अंबिया नहीं थे, रुसुल नहीं थे, उनके पास वही नहीं आती थी। इसका मतलब क्या कि वो कॉमन आदमी थे, वो आम लोग थे।
बराए मेहरबानी जो लोग भी आ रहे हैं उनको भी कहते जाएं अपने फोन ऑफ कर दें ताकि हमें बार बार इस चीज से ना गुजरना पड़े। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। तो इन लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह तौबा में फरमाया والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار, और जो सबसे पहले ईमान लाने वाले سابقون الاولون مهاجروں میں سے بھی اور انصار میں سے بھی الذين اتبعوهم بإحسان, اور وہ جنہوں نے ان کو فالو کیا احسان کے ساتھ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ تو تھے ہی تھے جو سابقون الاولون اور مہاجرین اور انصار, لیکن جنہوں نے ان کو فالو بھی کیا نا اللہ ان سے بھی راضی ہو. तो हमारी क्या तमन्ना होनी चाहिए कि हम इनको फॉलो करें बस. और ये तभी हो सकता है कि अगर हम गौर से इनकी जिंदगियों को देखें समझें और कैसे इनके अंदर कैसे ये जज्बा था, कैसे ये इतने आगे बढ़ गए. तो हम कोशिश करें कि हमने बस एक एक चीज को ना इनकी देखना है और उसके पर चलना है. सहाबा कराम देखें ऐसे हैं जैसे एक गुलदस्ता है, उसके मुख्तलिफ फूल हैं, हर फूल का अपना रंग अपनी खुशबू है. कोई बहादुरी में इंतहा को थे तो उन्होंने अपनी बहादुरी इस्लाम के लिए इस्तेमाल की. कोई ताकत में थे तो उन्होंने अपनी ताकत इस्तेमाल की इस्लाम की खातिर. कोई इल्म में ज्यादा थे तो उन्होंने अपने इल्म को लगा दिया इस्लाम की खातिर. कोई हाफजे में ज्यादा थे तो उन्होंने अपना हाफजा लगा दिया. किसी के पास माल ज्यादा था उसने माल लगा दिया. हम सब डिफरेंट सलाहियतों के मालिक है ना. ऐसे कोई बोलने में अच्छा होगा, कोई समझने में अच्छा होगा, कोई हिफ्ज में अच्छा होगा, कोई काम काज करने में भाग दौड़ में बड़ा अच्छा होगा, कोई पैसे लगाने में बड़ा सखी होगा. जिसके पास जो क्वालिटी है वो उसको यूज करे. इस्लाम ने आकर उन सहाबा को बिल्कुल ऐसे नहीं कि उनकी तबीयत ही बदल दी, ऐसे नहीं है. तबीयतें तो वही थी, नेचर नहीं बदल सकती, लेकिन उस नेचर को इस्लाम की खातिर मोल्ड कर दिया. कैसे उनको खूबसूरती से ढाल दिया ऐसे कि वो इस्लाम के मुजाहिद बन गए. और फिर यही वो लोग थे जिनको जहालत के अंधेरों में कहा जाता था, जाहिल कहा जाता था, और फिर यही लोग दुनिया के हुक्मरान बन गए. कई कॉन्टिनेंट्स में इनकी हुकूमत हो गई और आज तक उनकी मिसालें दी जा रही, आज तक उनके नाम जिंदा. क्या चीज थी उनके अंदर, क्या ईमान था उनका और क्या जज्बा था उनका और क्या अमल थे उनके. ये है जो चीज हमने सीखनी है यहाँ से. तो हमें कोई ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएं, बिल्कुल चेंज हो जाएं, लेकिन अपने आप को पहचानें मेरे अंदर क्या खूबी है, उस खूबी को लगाएं दीन की खातिर, उस खूबी में आगे बढ़े, उसको अल्लाह के दीन के लिए भी आपने इस्तेमाल करना है. जहां वो आपकी और खूबियां तो बहुत और जगहों पे इस्तेमाल होती हैं, अल्लाह के दीन के लिए भी इस्तेमाल कीजिए. तो हम देखते हैं आज जिस शख्सियत के बारे में, इतनी अजीम शख्सियत है कि अंबिया के बाद, अंबिया और मुसलीन के बाद जो अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतरीन इंसान थे वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिनकी जिंदगी को आज हम देखेंगे. क्योंकि जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा दें कि मेरी उम्मत में सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं, तो उनका मकाम और मर्तबा क्या होगा. उनके मनाकिब को तो हम देखेंगे कि उनके मकाम और मर्तबे पे कितनी अहादीस हैं और क्यों हैं और कैसे हैं, मगर थोड़ा सा उनके तारुफ से पहले शुरू करते हैं. और आप हैरान होंगे कि हालांकि इनका नाम हम बहुत सुन चुके हैं, आप सब जानते हैं इनको, लेकिन बहुत कम हमारे पास मालूमात है इनके बारे में. तो इंशाअल्लाह ताला सीखने की भी आप कोशिश करते हैं. आप लोग बैठ जाए, यहाँ पे बैठ जाए, आ जाए. इनका नाम अबू बकर सिद्दीक, ये इनका असल नाम नहीं है. इनका असल नाम कोई बता सकता है? अब्दुल्ला इनका असल नाम है, अब्दुल्ला. और अब्दुल्ला पूरा नाम क्या है? अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन आमिर, अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन आमिर. ये बातें आप लिखते जाइएगा कि नाम और आगे लिख लें अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन आमिर. आमिर जी, आमिर.
इनका जो निक नेम जिसको कह लें वो अबू बकर था, ये इनका असल नाम नहीं था, निक नेम था। और बकर का माना क्या है, बकर कहते हैं नौजवान ऊंट को जो बड़ा ताकतवर हो, तो इससे इनको कहा गया अबू बकर, यानी जो ऊंटों वाला, जो ऊंटों को रखने वाला, ऊंटों को संभालने वाला, ऊंटों को कंट्रोल करने वाला। एक बड़ी बात होती थी उस जमाने में ऊंट होना, जैसे आपको कह दें कि जहाजों वाली, आपके बड़े जहाज हों तो आपके लिए बड़ी शान की बात होगी, उस वक्त ऊंट ही बहुत बड़ी चीज थी। तो ऐसा नहीं है कि इनका कोई बेटा बकर के नाम से था कि अबू बकर, जैसे हम सोच रहे हो कि पता नहीं इनका बेटा हो तो इसलिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, इनकी जो पैदाइश थी वो आमुल फील, आमुल फील को तो सब जानते हैं ना, आमुल फील में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, तो आमुल फील के तकरीबन 2-2.5 साल बाद इनकी पैदाइश हुई थी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2-2.5 साल छोटे थे। ठीक है, इनका जो शजरा नसब है वो 6वीं पुश्त पे जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है, काब बिन लुआई के, वो उनको भी देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पीछे जाके काब बिन लुआई तक पहुंचते हैं, और इनका भी 6वीं पुश्त पे जाके काब बिन लुआई इनके ग्रैंड ग्रैंड फादर्स में से, मतलब आबा में से, तो यानी रिश्तेदारी उस तरह से निकल आई। अगर आप देखें तो वैसे अरबों में सभी एक दूसरे के रिश्तेदार थे, वहां पे सब एक दूसरे के किसी ना किसी तरह रिलेटिव्स थे। ठीक है, तो ये सिर्फ एक जुबान का नहीं है कि जुबान का ताल्लुक है, बल्कि क्या है, एक रिश्तेदारी का ताल्लुक इस तरह से भी इन सब का बनता है। इनका जो कबीला है, बड़ा कबीला तो कुरैश है, लेकिन उसमें सब ट्राइब्स हैं, आपको पता है बनू हाशिम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक, बनू अब्द मनाफ है, और इनका कबीला बनू तईम, तायामी बनू तईम। ठीक है, जो बात होगी फिर मैं लिख भी दूंगी यहाँ पे। और सारे जो सब ट्राइब्स थे ना, उनके पास कोई ना कोई काम उनके जिम्मे होता था अल्लाह के घर का, और इनके जो सब ट्राइब था, कुरैश की जो ये शाख थी, इनका काम था खून और दियतों के जमा करना, खून बहा जो होता है वो और दियतों को जमा करना, ये इनका काम था। वो बहुत इस तरह से नहीं था कि जैसे दूसरे सब ट्राइब्स थे, बनू हाशिम है, बनू अब्द मनाफ है, ऐसे नहीं था, मगर एक सिग्निफिकेंट उनका भी एक खिदमत थी। जब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जवान हुए थे तो उनके सुपुर्द ये खिदमत की गई थी कि ये खून बहा और दियतों के सारे मुकदमात इनके सामने पेश होते थे, और जो फैसला ये करते थे उसको सारे कुरैश कबूल करते थे। खून बहा से मुतालिक सारे माल इनके पास जमा होते थे, अगर इनके सिवाय किसी के पास जमा होते थे फिर वो इसको मानते नहीं थे इस बात को, यानी इतना इनका शर्फ था। इनके वालदैन, इनके वालिद का नाम अबू कुहाफा, ये उनकी कुन्नियत थी, इसी से वो ज्यादा पहचाने जाते, जैसे अबू बकर सिद्दीक अपनी कुन्नियत से ज्यादा पहचाने जाते, इनका नाम का बहुत ही कम लोगों को पता है, इसी तरह इनके वालिद साहब का नाम अबू कुहाफा था, कुन्नियत अबू कुहाफा थी। हाँ मैं लिख देता, तो वालिद का नाम ये कुन्नियत ये थी, नाम था क्या, नाम होगा इनके वालिद का, अभी मैंने आपको बताया, हाँ उस्मान बिन आमिर, जी उस्मान बिन आमिर, क्योंकि आप इससे देख लेना, अगर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन आमिर है तो इनका नाम उस्मान होगा, राइट। अच्छा, वालदा जो थी उनकी कुन्नियत उम्मुल खैर थी और उनका नाम सलमा बिन सखर था। कुन्नियत मतलब उम्मुल खैर, और इनका नाम था सलमा बिन ते सफर सौद के साथ, सौद खारा बिन आमिर, यानी ये और इनके हस्बैंड रिलेटेड हैं, चचा ताया की बच्चे हैं तो उनके आपस में।
बिठा ली। उम्मुल खैर इनकी कुनियत थी और नाम इनका था सलमा, ठीक है, बिनते सखर। यानी इस नाम से वो ज्यादा पहचाने जाते थे, ये कह सकते हैं, निक नेम भी कह सकते हैं, अच्छा नहीं फैमिली नेम भी कह सकते हैं। अच्छा, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनका नाम इस्लाम से पहले इनकी वालदा ने एक मन्नत मानी थी, इनके बच्चे जिंदा नहीं रहते थे, तो उन्होंने एक मन्नत मानी कि अगर मेरा ये बच्चा जिंदा रहा तो मैं इसको काबा की खिदमत के लिए दे दूंगी, इसका नाम अब्दुल काबा रखूंगी। तो उन्होंने इनका नाम अब्दुल काबा रखा था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में जब ये इस्लाम ले आए थे तो इनका नाम अब्दुल्लाह रखा, ठीक है। अच्छा, इनका लकब, लकब उसको कह सकते हैं कि जिससे ये बहुत पहचाने जाते हैं, जो एक इंसान का नाम पड़ जाता है। दो इनके लकब हैं, एक इनका लकब है अतीक, आइन के साथ अतीक, नहीं ता ते, अतीक। अतीक का एक मतलब है आजाद करदा, और आजाद करदा से क्या था कि इनकी जो वालिदा थी, बाज कहते हैं कि उन्होंने उनका ये नाम रखा था, इस वजह से रखा था क्योंकि उनके बच्चे चूंकि फौत हो जाते थे, तो उन्होंने कहा, इनको प्यार से अतीक कहने लगी कि ये है जो आजाद है, यानी जो जिंदा रह गया। बाकी बाज जगह पे ये भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका ये लकब रखा था अतीक, इसलिए कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में थी, आपके सहाबा सहन में थे, मेरे और उनके दरमियान पर्दा हायल था, इतने में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी को ये बात खुश करती हो कि वो जहन्नुम से आज़ाद शख्स को देख ले, वो उसको देख ले, और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे थे। तो इनका नाम ये अतीक भी था, इस तरह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा था। दूसरा इसका माना होता है नेकी में पहल करने वाला, नेकी में आगे बढ़ने वाला, अतीक का मतलब, तो नेकी में भी आगे बढ़ने वाले थे। दूसरा इनका लकब आप सब जानते हैं, अबू बकर सिद्दीक, वो उससे तो ये पहचाने जाते हैं। और ये इनका लकब कैसे हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा उहद पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत उस्मान भी थे, हजरत उमर भी थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हुम, ये तीनों थे। तो उहद पहाड़ खुशी से झूमने लगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है, और दो शहीद है। तो उससे पता चला इन्होंने बाद में शहीद होना था, और ये सिद्दीक का यानी लकब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इनको दिया। और इसी तरह इसरा वल मेराज पे जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब मैं कहूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूद भेजना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब ने उनको रद्द किया, उनकी बात को कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि एक रात में ये इतना सफर करके आ गए। तब उस वक्त अबू जहल ने जाके इनसे कहा था कि अब आप क्या कहेंगे, अब तो आपके नबी ये कह रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुद फरमाया? बोला हाँ। तो फरमाते हैं, फिर मैं इसकी तस्दीक करता हूँ, मैं तो इससे भी बड़ी बात को मान गया हूँ कि आसमान से इनके पास वही आती है, ये क्या बात है। तो इनको सिद्दीक का लकब दिया गया। तो ये दो वजूहात आपने लिखी होंगी कि दो वजूहात की बिना पर इनको ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इनको ये लकब दिया। इनका पेशा क्या था? आप पेशा लिख के आप आगे आप लिखिए। इनका पेशा ये था कि ये कपड़े के ताजिर थे, तिजारत किया करते थे। आपको पता है कि अरब में तिजारत का ज्यादा रिवाज था, तिजारत किया करते थे, और ये तिजारत में बहुत कामयाब थे।
इसलिए कि दयानतदार बहुत थे, अमानतदार बहुत थे, झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए भी इनका नाम सिद्दीक है। तो इनकी ईमानदारी का बहुत चर्चा था, इनकी शख्सियत, उनके अखलाक का। और आपको पता है कि जब ऐसा कोई ताजिर हो तो उसकी तिजारत क्यों ना चमके। तो इनके इल्म की जहां पे बात आती है तो इल्म इनके पास अनसाब का था। अनसाब आप देखें, इल्मुल अनसाब इसको कहते हैं, इल्मुल अनसाब, नसब का इल्म, यानी जिसको आप कहें कि यानी किसी का लिनियज क्या है पीछे तक। अरब लोग इसमें बहुत माहिर थे, सिर्फ ना सिर्फ ये कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसके बाप दादा परदादा, ये जो भी पीछे पीछे जितने भी दादा ग्रैंड 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 फादर कौन थे, ये किस कबीले से, इनके दूसरे के साथ रिश्तेदारी क्या है। लोगों को अपने अपने कबीले का तो पता था कि मेरे आबाओ अजदाद कौन है, लेकिन मेरी इनसे कैसे रिश्तेदारी बनती है, इनसे कैसे रिश्तेदारी बनती है, ये नहीं पता था ना। तो उनको ये सारा इल्म था, इतना उनको इल्म था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि अबू बकर कुरैश में इल्म उल अनसाब के माहिर थे, इतना उनको इल्म था पीछे तक पुश्तों तक। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावा के लिए जाते थे ना, कि तबलीग करने के लिए, तो इनको साथ लेके जाते थे, इनसे पूछते थे कि भाई इन ये इन लोगों की क्या खसूसियात है, ये कैसे लोग हैं, इनका लिनियज पीछे क्या है ना, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। मैं आपको कहूं कि मैं तो आपके दादा परदादा का मुझे पता है कि वो क्या थे, कहां थे, कैसे थे, तो कितने मुतासर होते हैं लोग इस बात से। तो इनको इसकी बड़ी महारत थी। दूसरे ये कि सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी ये मुझे क्वालिटी लगी इनकी कि हालांकि इनको सब के शजरा नसब इस तरह पता थे, कबीलों का पता था, तो जाहिर है जब आपको किसी का पता होता तो उसकी खामियां भी पता है और खूबियां भी पता है। ये इतने लोगों में इज्जत वाले थे क्योंकि ये लोगों के कभी भी नसब में कोई बुराई थी ना, तो उसको कभी बयान नहीं करते थे। और हमारे अंदर मैं सोच रही थी इतनी बड़ी ये खामी है कि हमें अपने अलावा ना सब का नसब नीचा नजर आता। हम कहते हैं ये क्या, ये तो इतने अखीर, ये तो ऐसे, ये तो ऐसे, ये क्या होते हैं, हमें पता है इनका ये क्या। अपने से दूसरी जुबान बोलने वालों का, अपने से दूसरे, हमारे तो बरादरियां होती हैं, अपने से दूसरी बरादरी का, कि हम कहते हैं नहीं हम अपनी बेटी कैसे इस बरादरी में देते, ये तो मैं वो एग्जैक्टली आई डोंट वांट टू से दिस वर्ड, लेकिन वी यूज दिस वर्ड, कमी कमीन है, ये हमारे यहाँ आम बोला जाता है। लेकिन कितनी प्यारी खूबी थी उनकी कि वो जानते भी थे, आखिर हर एक खानदान के अंदर कोई ना कोई बुराइयां, कोई चीजें, या उनके आबाओ अजदाद में कोई चीजें ऐसी होंगी, लेकिन कभी उसको बयान नहीं करते थे। इसलिए लोग इनसे बड़ी मोहब्बत करते थे। किसको बुरा लगता है ऐसा, आप मेरे पास आए तो आप मेरी खूबियां बताएं, मेरा खानदान की खूबियां मुझे तो आप अच्छी लगेंगी। तो ये ऐसे इंसान थे सुभान अल्लाह। और ये बहुत बड़े ज़र्फ़ की बात होती है कि इंसान दूसरों की खूबियों को एक्नॉलेज करे। अपनी तो सारे ही करते हैं, हम बहुत बड़ी चीज है, हमारा खानदान बहुत बड़ा, हम ऐसे फलां, दूसरे की खूबी को आप एक्नॉलेज करें, ये है बड़ा दिल और ये है बड़ी बात। तो कम अज कम आज इनसे इतनी बात यहां से सीखते हैं, ठीक है, कि कभी किसी के नसब में ताना नहीं देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से जो काम कभी खत्म नहीं होंगे ना, उनमें एक ये भी है, नसब में ताना देना किसी को। हमें पता है तू क्या चीज है, तेरा खानदान ये था, तू ऐसे था। तो ये इनकी बहुत बड़ी खूबी। अच्छा, फिर दूसरे ये रोया का की ताबीर, जो ख्वाबों की ताबीर के माहिर थे। ख्वाबों की ताबीर का भी बताना ना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये भी हर एक का काम नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। अच्छा, इनका हुलिया मुबारक अब लिखें आप। इनका रंग सफेद था, चेहरा बारीक था, बहुत दुबले पतले थे, रुखसारों के ऊपर कोई गोश्त नहीं था, रोशन आंखें थी, पेशानी कुशादा थी, बारीक नाक थी, कद लंबा था, और दुबले इतने ज्यादा थे कि औजार बार बार नीचे जाती थी, इतने दुबले थे। राने सख्त थी, और आप मेहंदी और विस्मा, विस्मा एक बूटी होती है, इनको मिक्स करके उससे बाल रंगा करते थे जब बाल सफेद हो गए थे। अब आते हैं इनके अखलाक पे और इनकी आदात पे। ये अपनी कौम में हर दिल अजीज शख्सियत थी, एवरीबडी लव्ड हिम,
हम अपने आप को भी देखें, साथ साथ खुद हम अपना भी जायजा लेते जाएं, मुझे कितने लोग पसंद करते होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी जुबान, मेरे अखलाक, मेरे लोगों के साथ बर्ताव, मेरी ये चीजें लोगों को मेरे से तंग कर देती हैं, दूर कर देती हैं, या करीब करने वाली। देखिए, हर दिल अजीज वही इंसान हो सकता है जो लोगों को नफा पहुंचाने वाला हो, जो अपनी जरर से लोगों को महफूज रखने वाला है। अगर आप किसी के साथ अच्छे होंगे तो आप हर दिल अजीज होंगे, अगर आप किसी के लिए हेल्पफुल होंगे तो हर दिल अजीज होंगे। और बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत पोलाइट, रहम दिल, शरीफ व तबा, इतने अच्छे अखलाक के मालिक थे। लेकिन जब कोई इनकी तारीफ करता था तो कहते थे, अल्लाह तू मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानता है और मैं अपने बारे में इनसे ज्यादा जानता, मुझे ज्यादा पता है, इसको तो क्या पता होगा जो मुझे अपने खामियां पर। ए अल्लाह, मुझे इससे बेहतर बना दे जो ये गुमान मेरे बारे में करते हैं। बहुत प्यारी ये दुआ है। और ए अल्लाह, जो ये नहीं जानते इस पे मुझे माफ कर दे, और जो ये कह रहे हैं इस पर मेरी पकड़ ना करना। क्योंकि आपको पता है कि इंसान, ये भी आपको मैं इससे एक बात मुझे याद आई बता दूं कि जब इंसान फौत होता है ना, तो जो लोग उसकी बातें कर रहे होते हैं, अगर वो झूठी हैं, मसलन लोग कहते हैं बड़ी मदद करने वाली थी, बड़ी अखलाक वाली थी, वो तो अखलाक वाली थी नहीं, तो फरिश्ते उसको कहते हैं कि तेरे बारे में ये कह रहा, क्या तू ये था? तो झूठी बातें नहीं कभी किसी के बारे में किया कर। ये उसको फरिश्ते कहते हैं, उस जो जो दुनिया से चला गया है, जो दुनिया से चला गया, जो मैयत है, उसको फरिश्ते कहते हैं तू ऐसा था जैसे ये तेरी तारीफ कर रहा है। उसके ऊपर उसकी पकड़ है कि ये झूठी तारीफें कर रहा है। झूठी तारीफें मत करें किसी की, जो तारीफ करें सच्ची करें। जो मैयत की तारीफ है ना, होनी चाहिए लेकिन सच्ची तारीफ। कभी कभी हम यहाँ से वहां कलाबे मिला देते हैं, वो तो ऐसे, क्योंकि मर जो गया तो अब ऐसे ही बस, हमने कुछ तो बोलना, तो वो नहीं करना। जबकि वो नहीं होता तो फिर हाँ उसके, हाँ। और ये ऐसे इंसान थे कि इनकी और जो इनके साथ कोई बंदा, इनके साथ पार्टनर होता, अगर वो किसी की जमानत देते थे, लोग उसको कबूल करते थे। कितनी बड़ी बात है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत से सबसे ज्यादा बढ़कर शफकत करने वाले अबू बकर सिद्दीक। इससे ज्यादा क्या बड़ी बात है, मेरी पूरी उम्मत में मेरी उम्मत के ऊपर सबसे ज्यादा शफकत करने वाले अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। फिर इनकी एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि इन्होंने जमाना जाहलियत में भी कभी शराब नहीं पी, कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया, कभी जिना नहीं किया। हालांकि ये वो चीजें हैं जो उस वक्त बहुत आम थी, लोग आराम से शराब पीते थे। शराब तो उनके लिए ऐसे ही ड्रिंक था, जैसे आज ये लोग काफिर लोग पीते हैं, ऐसे ही वो लोग काफिर थे, वो लोग भी इसी तरह जैसे आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं वो शराब पीते थे। और जिना उनके यहाँ कॉमन था, और बुत परस्ती तो वैसे ही करते थे। तो इन्होंने कभी नहीं ये किया था। और इसकी वजह बयान की जाती है कि जमाना जाहिलियत में भी ये एक दफा गुजर रहे थे, तो उन्होंने एक आदमी को देखा जो शराब की वजह से मदहोश था और अपने हाथ से गंदगी को पकड़ रहा था, फिर पकड़ के मुंह के करीब ले जाता था, और जब उसको बदबू महसूस होती थी तो हाथ मुंह से दूर कर लेता था। तो उन्होंने जब ये मंजर देखा तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी जात को कभी इस तरह नहीं करूंगा, डिग्रेड नहीं करूंगा अपने आप को। तो यानी बहुत सारे काम है जो इंसान को डिग्रेड करने वाले, यानी उसकी इज्जत को तार तार करने वाले होते। ऐसे कामों पे ख्याल करना चाहिए कि हम कोई ऐसा काम ना करें जो हमारी डिग्निटी के खिलाफ हो, हमारे ऑनर। हर एक इंसान की एक इज्जत है ना, जो आप अपनी इज्जत जिससे लूज कर दें वो काम मत करें। हर एक इंसान को अल्लाह ने इज्जत दी हुई है, और हम अपनी इज्जत खुद खराब कर लेते हैं जब हम कभी ऐसे काम करते हैं जो इस तरह के होते हैं, जो गिरे हुए काम होते हैं। इसी तरह कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया था, तो खुद बयान फरमाते हैं कि मैंने जब जवानी में कदम रखा तो एक दिन मेरे वालिद अबू कुहाफा मेरा हाथ पकड़ के बुत खाने में ले गए, और उन्होंने मुझसे कहा, देखो ये सोने चांदी के बने हुए आलीशान खुशबुओं वाले खुदा हैं तेरे, तो इनकी इबादत को अपना तरीका बनाओ।
तो मैं एक भुक्त के करीब गया, फिर वो इनको छोड़ के चले गए। तो कहते मैं एक भुक्त के करीब गया, मैंने उससे कहा मुझे भूख लगी मुझे खाना खिलाओ, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा मेरे पास कपड़े ही नहीं है मुझे कपड़े पहनाओ, उसने कोई जवाब नहीं दिया। कहते हैं बिल आखिर मैंने इस गूंगे बहरे बुत को एक पत्थर मारा जिससे वो चेहरे के बल जमीन पे गिर गया। यानी इतनी इनको बुत परस्ती से कराहत थी। और उस वक्त से हालांकि अभी इस्लाम नहीं आया, लेकिन देखें उस वक्त भी शिर्क से बेजार थे। फिर अभी इस्लाम नहीं आया था लेकिन हक की तलाश में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले ही ये जब तिजारत के लिए सफर किया करते थे मुख्तलिफ जगहों के, जैसे आपको पता है अरब लोग यमन जाया करते थे, सीरिया जाया करते थे, तो वहां जब ये जाते थे तो लोगों से पूछते थे कि बताओ कि तुम्हारा दीन क्या है, तुम किस चीज को मानते हो, क्या, यानी इतनी इनके अंदर हक की तलाश थी। तो एक दफा इनको एक ख्वाब आया, तो ख्वाब की ताबीर इन्होंने शाम में एक राहिब था उससे पूछी। तो उसने कहा कि तुम कहाँ से आए हो, कहा मैं मक्का से आया। मैंने लगा कौन से कबीले के हो, तो फरमाया कि मैं कुरैश से हूँ। उसने कहा कि तुम्हारे अंदर एक रसूल आएगा और तुम उसके साथी बनोगे। सुभान अल्लाह। और इसी तरह ये आता है इनके बारे में कि एक दफा ये काबा के साथ टेक लगाए हुए थे, तो उस वक्त इनके करीब एक और शख्स था जिसका नाम था जैद बिन अमर बिन नुफैल। इसको कोई जानता है, जैद बिन अमर बिन नुफैल को? ये एक आदमी था जो मुवाहिद था, यानी तौहीद के ऊपर था, यानी इसने कभी शिर्क नहीं किया। उस जमाने में भी ऐसे लोग थे जो शिर्क से बेजार होते थे, जैसे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी शिर्क नहीं किया, जैसे वरका बिन नौफल आपको पता है, तो इसी तरह ये भी थे। तो ये बैठे हुए थे और ये हजरत उमर के खानदान से ही थे। तो वहां पे एक शख्स आया अमर बिन अबी सलत, वो वहां से गुजरा, वो सकीफ कबीले का था, वो भी बुत परस्ती से बेजार था, उसने भी कभी शिर्क नहीं किया था। तो ये दो लोग आपस में बात करने लगे। अब ये देखिए सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने तो हमें पैदा होते ही ये दीन दे दिया ना, तो हमें इसकी कदर नहीं। अब वो हक की तलाश में, कहाँ है हक, क्या है हक, क्या है सही रास्ता, ये तो सीधा रास्ता नहीं है, ये जो बुत परस्ती ये तो सीधा रास्ता नहीं, तो क्या है सीधा रास्ता। अब ये जो अंदर एक तड़प है ना, और मैंने कई गैर मुस्लिमों से जो, जब आप तो मुसलमान हो गए, जब वो अपनी उस हालत में थे कुफर की हालत में, कईयों से ये बात सुनी कि सुभान अल्लाह, वो कहते हैं हम कभी क्रिश्चियनिटी को जाके पूछते, कभी यहूदियत में देखते, कभी इधर देखते, हमें समझ नहीं आती थी क्या रास्ता ठीक है। यानी अंधेरों के अंदर वो भटक रहे हैं, उनको रास्ते की तलाश है। हमें तो अल्लाह ताला ने एक दीन वैसे दे दिया कि हमें कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो सुभान अल्लाह, जब वो आपस में बात कर रहे थे, कहते हैं कि उसने उससे पूछा कि कोई तुम्हें हक मिला, तो आगे से इन्होंने कहा जैद बिन अमर बिन नुफैल ने कि अभी तो मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ चंद अशार पढ़े जिसमें ये था कि ये जो मजाहिब हैं इनके कुफर के हैं, ये बातिल हैं, ये गलत हैं। और फिर वो बोला कि जिस नबी का हम इंतजार कर रहे हैं वो या तो तुम्हारे कबीले में आएगा या मेरे कबीले में आएगा, या कुरैश में आएगा या बनू सकीफ में आएगा। बनू सकीफ भी बहुत ऊंचा कबीला था ताइफ का, आपको पता है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सुन रहे थे। अच्छा, ये भी नहीं पता कि नबी क्या होता है, नबी किसको कहते हैं, वो कौन होता है नबी। तो वहां से उठे और वरका बिन नौफल के पास गए, क्योंकि वो बड़े आलिम थे, आपको पता है ना वरका बिन नौफल का, सब जानते हैं, सीरत पढ़ी है। तो वरका बिन नौफल के पास गए तो वो उनसे जाके पूछा कि इस तरह मैंने सुना है। तो वो कहने लगे कि हाँ, जिनका हम इंतजार कर रहे हैं वो नबी, उसकी आमद होनी है और वो अरब के बेहतरीन कबीले में से होगा। तो उन्होंने पूछा कि नबी क्या होता है, तो फिर उन्होंने बताया वो जिसको कहा जाता है कि जाओ लोगों को बताओ जो तुम्हें बताया गया, वो लोगों को पहुंचा दो आगे जाके, वो नबी होता है। और वो जुल्म के साथ खड़ा नहीं होता और वो कभी जुल्म का साथ नहीं देता। तो इस तरह से इनको हक की तलाश थी और हक के लिए यानी भाग दौड़ कर रहे थे, यानी अपनी तरफ से मुतरद्दिद थे कि कहाँ पे सही बात है।
फिर उसके बाद इनके कानों में ये बात पड़ने लगी कि एक आदमी है जो कहता है कि खुदा को पूजो और ये बुत गलत हैं और ये हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनको पता था। तो शाबी कहते हैं कि मैंने इब्ने अब्बास से पूछा कि फिर सबसे पहले इस्लाम लाने वाले कौन थे, तो उन्होंने फरमाया अबू बकर सिद्दीक, यानी आजाद मर्दों में सबसे पहले ये इस्लाम लेकर आए थे। और इनकी जो कन्वर्सेशन है उसका तो हमें नहीं पता कि क्या आपस में बातचीत हुई, मगर ये हमें पता चलता है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसी मोहल्ले में रहते थे जिसमें हजरत खतीजा रहती थी। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हजरत खतीजा से हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके वहां पे मूव हो गए और वहीं पे ये थे, वहीं पे दोनों की बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। और चूंकि दोनों की आदत एक जैसी थी ना, सच्चाई, दयानत, अमानतदारी, इन चीजों से बेजारी, जो बुरे काम थे, इसलिए इनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सामने दीन इस्लाम को पेश किया तो नबी अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि मैंने जिसके आगे भी इस्लाम को पेश किया उसने कुछ ना कुछ हिचकिचाहट का जरूर इजहार किया, सिवाय अबू बकर सिद्दीक के, कि जब मैंने उनके सामने दावत को पेश किया तो उन्होंने बगैर किसी तरद्दुद के फौरन लब्बैक कहा, फौरन इस्लाम लिया, कोई बात ही नहीं दूसरी पूछी। सुभानअल्लाह। और आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने जब से होश संभाला अपने वालदैन को दीन इस्लाम की मोहब्बत में तरक्की करते हुए देखा, और कोई ऐसा दिन नहीं था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ ना लाते। और फरमाती हैं कि जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ईमान लेकर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे इंतहा खुश हुए उनके ईमान लाने से, बहुत ज्यादा खुश हुए। अब जब ये ईमान लेकर आए ना तो ईमान ला कर बैठ नहीं गए हमारी तरह के, हम तो कुरान पढ़ पढ़ के भी बस बैठे ही रहते हैं, फिर आगे पहुंचाने की नहीं हमें फिक्र है कि भई हम आगे भी दें। लेकिन वो सुभान अल्लाह ऐसी उनके अंदर तड़प हुई कि जब इस्लाम लेकर आए हैं फौरन बस लोगों के अंदर निकल गए, इसको बता रहे हैं, उसको बता रहे हैं, दोस्तों को दावत दे रहे, जो मिल रहा है उसको दावत दे रहे। और इसके अंदर आप देखें कि कितना बड़ा इनके लिए एक दुनियावी तौर पर अगर आप देखें कि इनके मुखालफत में ये बात जाती थी कि एक बिजनेसमैन है, आप खुद अंदाजा करें, उसके कस्टमर हैं, वो अगर कोई ऐसी बात करे जो राय आमा के बिल्कुल ऑपोजिट है, पब्लिक ओपिनियन है, सब एक चीज को मानते हैं, उसमें एक बंदा खड़ा होकर अपनी कुछ कर रहा है, कोई कस्टमर आएगा उसके पास? उसकी तो दुकानदारी खराब हो गई, उसकी तिजारत खराब हो गई, उसकी कितनी एक बड़ी बात थी कि उन्होंने इस चीज की नहीं परवाह की कि मेरी तिजारत खराब होगी, मेरे पास कौन आएगा। आज यकीन करें हम मुसलमान हो के, बॉर्न मुस्लिम हो के भी आज हमें कोई बात पता चलती है ना तो हम जब देखते हैं ना कि लोग सारे तो कुछ और कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हम क्यों कहें, ये ना हो कि हमारे को खिलाफ हो जाए, या ये ना हो कि जो मेरा बिजनेस है या मेरी कोई दुकान है, कोई स्टोर है या कुछ है, इसमें लोग नहीं आएंगे फिर ना, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे फिर, मैं इतना लोगों में महबूब हूँ, मेरी मकबूलियत, मेरे लोगों की पसंदीदगी के मैार से मैं गिर जाऊंगा। कितनी चीजें हमारे जहन में आती, हम नहीं चाहते कि हम लोगों की नजरों में जरा भी नीचे हों, सारे मुझे लाइक ही करते रहे, इसलिए लिहाजा मैं वही बात करूं जो बस आपको आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाली हो, जिससे आप बस खुश हो जाए। लेकिन ये ऐसे नहीं थे, इन्होंने इस चीज की नहीं परवाह की। और दूसरे ये भी होता है ना कि जब हम किसी को कुछ बताने लगते हैं ना तो उसके अंदर भी जुर्रत चाहिए होती है, जुर्रत का मतलब जो लोग डर जाते ना, हाय हम बताएंगे तो फिर क्या होगा, पता नहीं लोग हमें क्या कहेंगे, वो भी नहीं बता सकते। लेकिन इन्होंने ना अपनी तिजारत का ख्याल किया, ना इन्होंने इस चीज का ख्याल किया कि मेरी रेपुटेशन इनमें खराब हो जाएगी, ना उन्होंने इस चीज का ख्याल किया कि मेरे मुखालिफ बन जाएंगे, फिर क्या होगा, मेरा जीना दूभर कर देंगे। कोई छोटी बात नहीं थी, आप किसी लोगों के जो पब्लिक एक पूरे एक रिलीजन पे आप उनके खुदाओं को कह रहे हैं कि ये गलत है, ये कोई छोटी बात नहीं थी। आज हम छोटी सी बातों को भी देखें, किसी बिदत को भी कहना हो ना हमने तो हमें वो डर लगता है, कोई शिर्क कर रहा हो ना तो हम कहते हैं नहीं नहीं डरे तो करने दो जैसे कर रहे हैं, हम क्यों बुरे बने। अच्छा, जब फिर इन्होंने इस्लाम की तबलीग की तो सुभान अल्लाह इतने सारे लोग इनकी वजह से इस्लाम के दायरे में दाखिल हुआ, और कितनी बड़ी बात है, मैं कहती हूँ
काबिले रश्क बातें की है कि अशरा मुबशरा का पता है ना आपको, अशरा मुबशरा राइट, 10 जो जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में जन्नत की खुशखबरी दे दी, उनमें से 6 इनके हाथों पे इस्लाम लेकर आए। क्या शान है इनकी कि जब वो जन्नत में जाएंगे वो सारे इनके सदका जारिया। अल्लाह अकबर, जिनमें हजरत उस्मान, जुबैर बिन अवाम, अब्दुर्रहमान बिन औफ, तलहा बिन उबैदुल्ला, साद बिन अबी वक्कास और बाद में अबू उबैदा बिन जर्राह। कितनी बड़ी बात है, मतलब और लोग तो इस्लाम लाए लाए, लेकिन मैं इनकी स्पेशली इसलिए मेंशन करें कि अशरा मुबशरा में से 6 तो इनके हिस्से में ही आ गए। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, आप इनका मकाम और मर्तबा फिर सोचे। फिर ये कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग शुरू की तो आपको जैसे मालूम है कि जो बेकस थे, जो गुलाम थे, लौंडियां थी, वो पहले इस्लाम लेकर आए, कमजोर लोग, तो उनके ऊपर तो बहुत जुल्म होता था। तो इन्होंने अपना जो माल था वो इनको आजाद कराने में खर्च करना शुरू करा। यानी अल्लाह अकबर, 40,000 दिरहम इसमें आता है किताबों में, लेकिन 40,000 दिरहम थे इनके पास जब ये इस्लाम लेकर आए, जिस दिन इस्लाम लाए थे, और जब हिजरत की मक्का से तो 5,000 रह गए थे। कहाँ गए सारे इन 13 सालों के अंदर? सब अल्लाह के रास्ते में और गुलामों, लौंडियों को आजाद करने में। और टॉप पे जिनको आजाद इन्होंने करवाया, हजरत बिलाल बिन रब्बाह। जब इन्होंने देखा कि हजरत बिलाल के ऊपर ऐसे मजालिम हो रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके बताया कि उमैया ऐसे उनके ऊपर जुल्म करता है, तो उन समझ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते हैं। तो अपने घर से पूंजी ली और गए उमैया के पास, तुमने बेचना है बिलाल को? वो कहता है हाँ। उसने क्या करना था, अब उसके को काम के रहे नहीं थे, तो जो जितनी उसने कीमत मांगी वो मुंह मांगी कीमत अदा की। और फिर उसके बाद क्या फरमाया, अगर तुम इससे भी ज्यादा मांगते ना तो मैं वो भी दे देता। और फिर दूसरे गुलाम ही है आमिर बिन फहीरा, उनको आजाद किया। इनका नाम भी आपको बाद में, जब किसी को इनका पता है कौन थे ये, शाबाश, हिजरत में के वहां पे लेकर जाते थे बकरियां वो, और सैयदा जुनैरा, सैयदा नहदिया, नहदिया की बेटी, और इस तरह से नाम आते हैं कई लौंडियों के, जो बेचारियां किस तरह जुल्म व सितम सह रही थी, उनको आजाद कराया। तो इनके वाले जो अबू कहावा थे, उन्होंने कहा कि तुम इन कमजोर से लोगों को तुम आजाद करा रहे हो, यानी औरतें आपको क्या बेनिफिट देंगी? कोई ताकतवर गुलामों को अगर आजाद करो तो कोई फायदा भी है, कल को तुम्हारे बाजू बनेंगे, तुम्हारे लिए कुछ हेल्पफुल होंगे वो। तो फरमाते हैं कि मैं ये अपने लिए नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह की खातिर कर रहा हूँ। क्या जज्बे थे उनके। इन्होंने अल्लाह ताला के रास्ते में बहुत तकलीफें उठाई। जब कोई 38 के करीब लोग मुसलमान हो गए तो तब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इन्होंने फरमाया कि हम अब लोगों में आम तबलीग करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक इस चीज की इजाजत ना हो अल्लाह ताला की तरफ से, उस वक्त तक तो आप नहीं निकल सकते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बात को नहीं माना, लेकिन ये इसरार करते रहे कि नहीं, हमें निकलना है, हमें जाना है, हमें जाके लोगों को आम तबलीग करनी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। तो इनका वाकया आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इन्होंने कहा था तो आपने फरमाया अबू बकर अभी हम थोड़े हैं, अभी नहीं करो। तो लेकिन जब कहते रहे तो फिर आपने इजाजत दे दी। तो ये मस्जिद हराम में आए और दूसरे भी इनके साथ मुसलमान थे, हर शख्स खड़े होकर इस्लाम की दावत देने लगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खतीब की हैसियत से लोगों में खड़े होकर इनसे खिताब करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, अबू बकर सिद्दीक ने सबसे पहले लोगों को अल्लाह ताला के पे ईमान की दावत दी। ये देख के मुशरिकीन जो थे वो मुसलमानों पर पिल पड़े। देखते ही देखते जो मस्जिद हराम का सेहन था वो मैदान जंग बन गया और हर तरफ से जदोकोप करने लगे। इतना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तो इतना उन्होंने मारा, और उतबा बिन रबिया वो ऐसा बदबख्त था, उसने चमड़े के जूतों से इनके चेहरे पे मारा।
और इतना मारा, इतना ताबड़तोड़ मारा कि खूनों खून हो गया। पता नहीं चलता था कि नाक कहाँ है, होंठ कहाँ है, आंखें कहाँ, इस कदर खून था। हत्ता के वो जमीन पर गिर गए और ये बदबख्त उनके पेट पे उछलने लगा। इनका चेहरा लहू लहान हो गया और सूज गया और चेहरे पे इतनी सोजिश थी कि नाक और चेहरा आपस में मिले हुए बराबर दिखाई देते थे। ये सूरत हाल देख कर अबू बकर सिद्दीक की कौम के कुछ लोग आगे बढ़े। उन्होंने कुरैश को रोका जुल्म सितम से, और अबू बकर सिद्दीक का तो ये हाल था कि बेहोश हो चुके थे और ऐसे लग रहा था कि अब ये बच नहीं सकते, ये खत्म हो जाएंगे। तो लोग आगे बढ़े, उन्होंने कपड़े में इनको डाला, उठा के लेके भी नहीं जा सकते थे, कपड़े में डाला, बेहोश है, और घर लेकर आए। और कौम जो, क्या इनकी कौम का नाम था, बनू तईम, ठीक है, बनू तईम के जो अफराद थे जो वो घर लेकर आए। और उन्होंने फिर, उनके अंदर ना कबायली हमियत बहुत होती, हालांकि मुसलमान नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इनको कुछ हो गया तो उतबा हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। खैर, उनको लाके डाल दिया। घर वाले सारा दिन कोशिश करते रहे कि होश में आ जाए, लेकिन वो बेहोश पड़े हुए। अबू कुहाफा बातें करने लगे उनसे, कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कुछ होश नहीं। जब शाम का वक्त हुआ तो तब इनको होश आया, और होश आते ही क्या फरमाने लगे, अल्लाह के रसूल का क्या हाल है। तो कौम के लोगों ने कहा, उनकी वजह से तो तुम्हारा ये हाल हुआ और तुम उनका पूछ रहे हो, हम तो बाज आए इनसे, हम तो जा रहे हैं। अबू कहाफा भी ये सुन के बुड़बुड़ करते हुए उठ के चला गया। इनकी वालदा माँ के दिल के अंदर जाहिर है जो मोहब्बत होती है, वो कहने लगी कि आप कुछ खा लें, कुछ पी लें। कहने लगे, खुदा की कसम मैं नहीं कुछ खाऊं पीऊंगा जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ना मुझे पता चल जाए। जब वालदा ने बेटे की ये हालत देखी तो माँ की ममता थी वो जोश में आई, बेटे को दिलासे देने लगी, इसरार करने लगी खिलाने पे। कहते, मैंने कुछ नहीं खाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल। वो कहने लगे, मुझे क्या पता, अल्लाह की कसम मुझे तो पता ही नहीं है, मैं क्या जानूं वो इस वक्त किस हाल में। क्योंकि उनको ये था कि जब मैं वहां पे छोड़ के आया हूँ तो पता नहीं उनके साथ क्या किया उन्होंने, वो तो बेहोश हो गए ना, अब आगे क्या हुआ। तो फिर कहने लगे, आप ऐसा करें, जाएं और उम्मे जमील जो खत्ताब की बेटी है, किसकी बहन हुई है, उमर बिन खत्ताब की बहन उम्मे जमील, आपको याद है ना कि ये तो इस्लाम ले आई थी पहले, उनके पास जाएं और उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल पूछें, उनको पता होगा। तो वो उनके घर दौड़ी थी गई और जाके उनसे कहा कि भाई इस तरह मेरा बेटा पूछ रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हाल है। तो वो होता है ना कि एक खौफ आ जाता है कि अब उनका ये हाल हुआ, ऐसे एक खौफ की फिजा फैल गई थी कि उनका ये हाल हुआ, पता नहीं क्या इनका। कहने लगे, कौन मोहम्मद और कौन अबू बकर सिद्दीक, मुझे किसी का नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको नहीं पता तो वो तो कह रहे हैं कि आपसे जाके पूछो। कहने लगे, अच्छा फिर मुझे उनके पास ले चले, मैं जाके खुद उनसे बात करती। तो जब आई तो देखा कि किस तरह से जख्मों में चूर पड़े में, तो बोलने लगी कि अल्लाह ताला उनको पूछे जिन्होंने आपका ये हाल किया। और अबू बकर सिद्दीक के करीब हुई, उनकी हालत देख के हिचकियां लेते हुए कहने लगी, अल्लाह इन जालिमों, इन फासिकों, फाजरों का, जो आपका जिन्होंने ये हाल किया, अल्लाह इनसे जरूर इंतकाम लेगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उम्मे जमील से पूछा, मुझे ये बताओ मेरे प्यारे नबी का क्या हाल है। उन्होंने कहा, आहिस्ता बोले, आपकी अम्मी यहाँ पे सुन रही है, आहिस्ता बोले। कहने लगे, उनकी ना फिक्र करो, ये मेरी वालदा है, इनसे कोई खतरा नहीं। तो फिर उन्होंने फिर आगे से बोली, क्योंकि उनको ये था, ये पता नहीं कौन अंदर जासूस हो, पता नहीं कौन अंदर जाके क्या बता दे, इन्होंने तो अपने ईमान छुपाए हुए थे, ठीक है, तो उम्मे जमील का तो किसी को भी नहीं पता था ये मुसलमान है। तब उन्होंने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक है, इन्हें खराश तक नहीं आए। तो अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, वो इस वक्त कहाँ है। उन्होंने बताया, वो इस वक्त दारुल अरकब में। उन्होंने कहा कि मैं कसम खाता हूँ, मैं उस वक्त तक कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं जब तक मैं जाके उनको खुद अपनी आंखों से ना देखूं, दिल को तसल्ली नहीं हो रही थी। तो सहाबा बयान करते हैं कि उस वक्त तो दिन का वक्त था, जाहिर है जब थोड़ी शाम का वक्त था, तो जाहिर है इस वक्त उजाला है, लोग देख लेंगे कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा, जरा घर वालों ने कहा, जरा अंधेरा हो जाए तो फिर जाएंगे।
जब अंधेरा हो गया, लोग सो गए, तो फिर ये दो लोगों का सहारा लेकर, उठ तो सकते ही नहीं थे, दो लोगों का सहारा लेकर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। नबी अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़ के इनका माथा चूमा, और वहां दूसरे मुसलमान भी थे, उन्होंने मोहब्बत के साथ आगे इनसे मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत ज़ार देख के रिक्कत उन पे तारी हो गई। तो अबू बकर सिद्दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही वालेहाना मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हुए कहते हैं, या रसूलल्लाह, कोई फिक्र की बात नहीं है, एक आदमी ने बस मेरे चेहरे पे मारा है, बाकी कुछ नहीं है, ये दर्द भी इंशाल्लाह जाती रहेगी। हालांकि इतना हाल बुरा है कि उठ के आने की भी सकत नहीं, लेकिन कहते हैं कोई फिक्र की बात नहीं, बस ये मेरी वालदा है और मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक करती हैं, आप इतने बाबरकत हैं, आप मेरी वालदा के हक में दुआ करें और इनको दीन की तरफ दावत दें, हो सकता है ये ईमान ले आए और जहन्नुम की आग से बच जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक में दुआ की और उनको दावत दी, तो उसी वक्त वो इस्लाम ले आए। हालांकि इनके वालिद जो हैं वो अबू कुहाफा कहाँ कब जाके ईमान लाए थे, फतेह मक्का पे, और ये इसी वक्त ईमान ले आए, सुभान अल्लाह। तो हजरत अली रिवायत करते हैं, कहते हैं दूसरा वाकया ये कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि कुरैश ने आपको अपने नरगे में लिया हुआ था, और कोई आपको खींच रहा था, कोई आपको धकेल रहा था, और कोई आपका मजाक कर रहा था, कोई आपकी अपने खुदाओं के मुकाबले में एक खुदा की दावत को रद्द कर रहा था। तो हजरत अली फरमाते हैं, उस बाद की बात है, वो अपने स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि अल्लाह की कसम, हमने सिर्फ एक अबू बकर सिद्दीक ऐसे थे जो आगे बढ़े, किसी की जरूरत नहीं हो रही थी, जरा इतने लोग हैं, इतने हजूम है, कोई भी आगे जाएगा तो बस वो तो गया, और ये बच्चे होंगे जाहिर है उस वक्त हजरत अली। तो कहते हैं कि वो आगे बढ़े, किसी को धक्का दिया, किसी को पीछे किया, किसी की पिटाई की, और पूरे जोश और बलबले के साथ ये कहते हुए आगे बढ़े कि तुम कैसे लोग हो कि तुम एक शख्स को सिर्फ इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, सिर्फ इस वास्ते। फिर हजरत अली वो थे अपने स्टूडेंट के साथ बैठे हुए, तो चादर चेहरे के ऊपर डाल ली और रोने लगे, और दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीग गई। फिर लोगों से कहा कि मैं तुम्हें कहता हूँ अल्लाह को गवाह बना के, मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ आले फिरौन का जो मोमिन था वो बेहतर या अबू बकर सिद्दीक बेहतर? ये वो सुन के खामोश रहे, कहते बोलते क्यों नहीं हो, मुझे जवाब क्यों नहीं देते? फिर फरमाया, अल्लाह की कसम, अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी की एक घड़ी आले फिरौन के मोमिन की, पता है ना आले फिरौन का मोमिन सूरह मोमिन, मोमिन की जिंदगी की हजार घड़ियों से बेहतर है, इसलिए कि वो अपने ईमान को छुपाता रहा, और अबू बकर सिद्दीक ने अपने ईमान का ऐलानिया इजहार किया। हालांकि कोई इनको कहता नहीं था कि आप जाके इजहार करें, अगर खामोश भी रहते तो आपसे सलम इनको कोई कह नहीं रहे थे कि आप जाएं, आप बताएं, या आप लोगों को तबलीग करें, या कुछ नहीं कह रहे थे खुद से, अगर ये छुपाते तो कोई इनको बुरा भला नहीं कहने वाला था। लेकिन इससे ये भी पता चलता है, जो लोग कहते हैं ना हजरत अली और हजरत अबू बकर सिद्दीक के दरमियान कोई क्लैश था या कुछ था, ये वो खुद बयान फरमा रहे हैं, हजरत अली खुद बयान कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं था उनके लिए। इस तरह आपको ये भी बता दूं कि इनका खानदान क्या था, हजरत अबू बकर सिद्दीक का, इन्होंने चार शादियां की थी, दो शादियां इनकी इस्लाम से पहले की थी, एक शादी थी कुतैला बिनते अब्दुल उज्जा के साथ, कुतैला बिन कौफ के साथ, मैं लिख देती हूँ, कुतैला बिनते अब्दुल इज्जा इसका नाम था, जिसको इन्होंने जाहिलियत में ही तलाक दे दी थी। इससे इनके दो बच्चे पैदा हुए, अब्दुल्ला बिन अबी बकर और हजरत अस्मा बिनते अबी बकर। हजरत अस्मा आपने इनका नाम सुना होगा, इनका नाम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे भी, और इनको जातुत नताकीन इस लकब से भी पुकारा जाता है, और अब्दुल्ला बिन अबी बकर, एक बेटा और एक बेटी पैदा हुए थे, ठीक है, अस्मा बिनते अबी बकर, अस्मा हजरत अस्मा, बेटे का नाम अब्दुल्ला,
इनका खुद का नाम भी अब्दुल्ला, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम बाद में अब्दुल्ला रखा था ना। जाहिरा ये बच्चे तो पैदा हो चुके थे। अच्छा, दूसरी इनकी बीवी उम्मे रुमान, ये भी इस्लाम से पहले इनकी इनके साथ शादी हुई थी, और इनसे दो बच्चे पैदा हुए, एक बेटा एक बेटी, बेटी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और बेटा अब्दुर्रहमान। ठीक है जी, अब्दुर्रहमान। और ये उम्मे रुमान जो थी ये 6 हिजरी में फौत भी हो गई थी मदीना में आके, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका जनाजा पढ़ाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सास भी लगी ना, आप देखिए इस तरह से जी ये मुसलमान है जी। और अस्मा बिनते अबू बकर का आपको वो वाकया याद होगा, जब मदीना में थी तो इन्होंने पूछा था आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरी माँ है वो मुशरिका है, वो मुझसे मिलने के लिए आई है, क्या मैं उनके से मिल सकती हूँ, तोहफे तहाइफ का देना चाहती है या ये तो क्या ले सकती हूँ, तो आपसे सल्लम ने फरमाया इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, फिर तीसरी बीवी इनकी उम्मे रुमान तो मुसलमान हो गई थी जाहिर है, लेकिन इनसे शादी इस्लाम से पहले हुई थी। तीसरी बीवी इनकी वो हैं जो पहले हजरत जाफर की वाइफ थी, और उन यानी उनकी बेवा अस्मा बिनते उमैस, आइन मीन यासीन, अस्मा बिनते उमैस ये इनकी तीसरी बीवी थी। अस्मा बिनते उमैस, मुझे ये बताइए जो अब्दुल्ला थे ये दो ही थे जो इमाम हुसैन के साथ थे, इनके चार वो थे ना इमाम हुसैन, इनके बारे में बताती हूँ आपको। हाँ जी, अच्छा यहाँ तक आप लोगों ने लिख दिया अस्मा बिनते उमैस के साथ। अच्छा, अस्मा बिनते उमैस जो थी ये पहले हजरत जाफर की वाइफ थी, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ इनका निकाह हुआ, इनसे इनका एक बेटा पैदा हुआ मोहम्मद बिन अबी बकर, मोहम्मद बिन अबी बकर। और उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक तो फौत हो गए थे, तो मोहम्मद अभी बहुत छोटे थे, 5-6 साल के थे, तो फिर ये बड़ी शान वाली खातून थी कि इनकी शादी फिर हजरत अली से हुई, यानी उनके देवर, ये पहले शोहर से इनके देवर लगते थे ना ये जी। तो और फिर इन्होंने मोहम्मद बिन अबी बकर ने हजरत अली के घर में परवरिश पाई, क्योंकि छोटे ही थे, तो अगर उनको इतनी उनके साथ ऐसे होती तो वो क्यों अब एक ऐसे इंसान के साथ अगर उनको इतनी रंजिश थी तो उनके बेटे को क्यों पालते। ठीक है, तो और इनफैक्ट जब हजरत अली मिस्र के हुक्म हजरत अली जब खलीफा बने थे तो उन्होंने इनको मिस्र का हुक्मरान बनाया था मोहम्मद बिन अबी बकर को, और ये फिर हजरत मुआविया के साथियों के साथ इनके जब लड़ाई हुई तो उसमें ये कत्ल हो गए थे। और चौथी बीवी इनकी हबीबा बिनते खारिजा थी, हबीबा इस वक्त सिर्फ ये, इनसे एक औलाद हुई थी, लेकिन वो तब हुई थी जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया था, तो इनसे एक बेटी पैदा हुई जिनका नाम फिर हजरत आयशा ने उम्मे कुलसूम रखा था, उम्मे कुलसूम रखा था। जी किसी के तलाक हो जाए तो शादी नहीं होती, लेकिन देखिये आप ये शान वाली खातून हजरत अस्मा बिनते उमैस, ये इनके ये तीनों शौहर और कितने बुलंद पाया, और फिर सुभान अल्लाह उनसे औलाद भी इनकी हुई, हजरत जाफर से भी औलाद हुई, हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी औलाद हुई, हजरत अली से भी औलाद हुई थी इनकी। जी बताइए, हबीबा हबीबा बिनते खारिजा, इनसे जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौत हुए तो उस वक्त ये हामिला थी, उसके बाद इन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया जिनका नाम हजरत आयशा ने उम्मे कुलसूम रखा। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खानदान वो वाहिद खानदान है जिसमें चार पुश्तों तक सब सहाबी आए, चार पुश्तों तक सब सहाबी आए। तो इंशाल्लाह तआला हम देखेंगे वो कैसे आए हैं, अबू कुहाफा भी थे, वो खुद भी थे, फिर उनके बेटे, फिर आगे उनके नवासे अब्दुल्ला बिन जुबैर, सब सहाबी थे। तो इंशाल्लाह तआला यहाँ तक आज हम अपना सबक करते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों से जो आज आप लोगों ने लिखा होगा इंशाल्लाह नोट्स बनाए होंगे इसके बारे में सवालात करूंगी इंशाल्लाह ताला। आप लोग 5 मिनट की ब्रेक ले लीजिए,
फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह आदाब जिंदगी शुरू करते हैं। बाद में पता है मक्का पे वो जो मुसलमान हो गए थे ना, सीरत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनको लेकर आया गया था, इतने ज़ईफ हो चुके थे, नाबीना थे, और शुरू में इन्होंने बहुत नापसंद किया। हम अगली दफा बात भी करेंगे। अबू कुहाफा ने जरा इतना मतलब उन्होंने कहा ये क्या मेरे बेटे को खराब कर दिया उन्होंने, तो बाद में फतह मक्का पे इतनी देर बाद जाके फिर ये हमें इजाजत है, अम्मा को छोड़ कर आए, हम दाल खाएंगे। आपने जो असल पीरियड था वो अटेंड कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये वो लिफाफा तो मैं ले आई हूँ, तो मैं कह दूँ अच्छा ये बहन है मुझे के कौन बहन आई थी।
आवाज नहीं आ रही तो करीब हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्लास शुरू होने वाली है, लेडीज प्लीज खामोश हो जाइए और जरा करीब हो जाए आप लोगों को। आई एम श्योर पीछे आवाज नहीं आ रही, आई एम सॉरी अबाउट इट। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक से माइक का इंतजाम कर देंगे, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग करीब हो जाइए ताकि आवाज आ सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक माइक होगा। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما آج ہم الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ایک کتاب شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے آداب زندگی۔ آداب زندگی یہ مولانا یوسف اصلاحی کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور اس کتاب میں سے ہم بعض چیپٹرز کور کریں گے، سب نہیں مگر بعض چیپٹرز کور کریں گے انشاءاللہ۔ اور آج جو لوگ کتاب لے کر آئے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ اس میں سیکنڈ چیپٹر صحت کے آداب نکالیں۔ آداب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادب کیا چیز ہوتی ہے؟ ادب وہ ہے کہ جس میں مینرز، جس میں آپ وہ طریقے جس سے آپ خود بھی تکلیف سے بچیں اور دوسروں کو بھی تکلیف سے بچائیں، اس کو ادب کہتے ہیں۔ زندگی کے آداب کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی ایسے طریقے سے گزاریں جو آپ کے لیے اپنے لیے بھی فائدہ مند ہوں اور دوسروں کے لیے بھی آپ تکلیف کا باعث نہ بنیں، ٹھیک ہے، شر کا باعث نہ بنیں۔ تو ہم اس لیے یہ کتاب پڑھنے جا رہے ہیں کیونکہ آج ہماری امت میں اس چیز کی بے حد ضرورت ہے کہ آداب کے اوپر فوکس کیا جائے۔ ہمارا دین اتنا خوبصورت دین ہے جو ہمیں جہاں عبادات کا بتاتا ہے، ہمیں عبادت کے طریقے سکھاتا ہے، وہاں زندگی کے آداب بھی سکھاتا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی، جس میں اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، ملنا، جلنا، بیمار کی عادت کرنا، کاروبار کرنا، کوئی اور جنازے کے یا خوشیوں کے یا کیا آداب ہوتے ہیں، کس طرح سے آپ نے گزارنے، اس سب میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہودی جو تھے وہ حضرت سلمان فارسی کے پاس آئے اور بڑے مذاق کرتے ہوئے انہوں نے کہا، سنا ہے تمہارا نبی تو تم لوگوں کو رفع حاجت کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ تو انہوں نے بہت فخر سے کہا کہ ہاں، ہمارا نبی ہمیں رفع حاجت کے طریقہ بھی بتاتا ہے۔
تو واقعی ہمیں یہ طریقے تک بتائے گئے ہیں اس لیے کیونکہ اگر آپ کو ادب نہ سکھایا جائے تو انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا جانور بھی کھاتا پیتا ہے وہ بھی رفع حاجت بھی کرتا ہے تعلق بھی کرتا ہے سب کرتا ہے لیکن اس کے پاس سینس نہیں ہے جبکہ انسان بھی اگر ادب کے بغیر یہ سب کام کرے گا تو وہ بھی جانور کی لیول پہ آ جاتا ہے لہٰذا انسانیت کی معراج اسی میں کہ اس کے پاس کوئی ایٹیکیٹس ہوں کوئی مینرز ہوں کوئی مورلز ہوں کوئی طریقہ کار ہو جس جو وہ سیکھے اور مہذب بنے تو آداب ہمیں مہذب بناتے آداب ہمیں ہر دل عزیز بناتے آداب ہمیں جانوروں سے اوپر کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کے بارے میں کہ وہ زندگی میں بس دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں وہ یاکلون کما یاکل الانعام اور وہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں جانور بھی چرتا رہتا ہے ہر وقت ادھر ادھر گھومتا پھرتا اس کی زندگی کو کوئی اور مقصد نہیں بس کھانا پینا اور جگالی کرتے رہنا آج بدقسمتی سے اس کے اوپر بہت زیادہ بات بھی نہیں ہوتی اور دوسرے ہمیں علم چونکہ نہیں ہے اس لیے ہم نے وہی جو دیکھے طریقے ادھر ادھر انہیں کو اپنا لیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ویسٹ ہمیں مینر سکھائے گا ہم یہ سوچتے ہیں ان لوگوں سے ہم سیکھیں گے کہ زندگی کیسے گزارنی اور بیسٹ مینرز کیا ہوتے حالانکہ ہمیں بیسٹ مینرز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا چکے وہی چیزیں آج جب ہم کبھی سائنس کے نام پہ کبھی ان لوگوں کے طور طریقے کے نام پہ کبھی دیکھتے ہیں ان کو کرتے ہوئے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں اور بہت امپریس ہوتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ تو ہمارے نبی کا طریقہ تھا جو انہوں نے اپنا لیا اور تب ہمیں اچھا لگ رہا ہے لیکن ہم یہ نہیں جانتے یا جب ہم جانتے بھی ہوتے ہیں تو اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے کہ جو ہے نا یہ طریقہ یہ زیادہ ہمارے لیے بہتر ہے اور نہ صرف یہ کہ دنیا میں فائدہ مند ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں بھی آپ کو ایک مہذب انسان بناتا ہے ہر دل عزیز انسان بناتا ہے کلچرڈ انسان بناتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی ادب سکھائے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ادب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ جب طور پہ بات کرنے لگے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اپنے جوتوں کو اتار دیجیے یہ مقدس وادی ہے ادب ہے نا یہ دس از ایٹیکیٹس یہ کوئی عبادت کا طریقہ نہیں بتایا جا رہا تو ادب آداب بہت ضروری ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آخرت کا کیسے فائدہ ہے کہ انسان کی جو روزمرہ زندگی کے کام ہے نا ڈیلی کھانا پینا سونا جاگنا کسی سے بات چیت کرنا یا گھر کے کام کرنا یا آپ کسی سے میل ملاقات کرنے لگے یا تجارت کرنا یا خوشی کرنا یا غمی کرنا وہ سارے طریقے آپ کے جو ہیں وہ عبادت بن جاتے ہیں اس سب میں آپ کو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ ادب کے ساتھ کرتے ہیں اسلامی ادب کے ساتھ اور جب اسلامی ادب نہیں ہے تو چاہے آپ وہی کام کر رہے ہیں اگر آپ کی نیت ہی نہیں ہے آپ کسی کو دیکھ کے کر رہے ہیں ان سے امپریس ہو کے کر رہے ہیں تو وہ آپ کو اجر تھوڑی دے گا آپ آج سیکھیں اور انشاءاللہ آج کا جو ہم چیپٹر پڑھیں گے ہم سیکھیں گے تھوڑے سے آداب اور اس کے بعد ہم ان چیزوں کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ دیکھیں گے جب یہ آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو دونوں جہان کا فائدہ ملے گا دوسری ایک چیز بہت اہم ہے کہ بعض عبادات کا بھی اجر بڑھ جاتا ہے ادب کے آنے سے کیسے مثلا مسجد میں آنا یہ ایک نیکی کا کام ہے لیکن مسجد میں کیسے رہنا ہے آپ نے کن کاموں سے پرہیز کرنا ہے اذان ہو رہی اچھا کن کاموں کو آپ نے کرنا اور کن سے پرہیز کرنا ہے یہ چیز جب آ جاتی ہے تو وہ پھر تو وہ چیز جب آتی ہے تو پھر اس کی اس کا اجر انسان کے لیے بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے تو عادات بھی انسان کی عبادت بن جاتی ہیں اور عبادت کے اجر بڑھ جاتے ہیں تو آج جو ہم چیز دیکھنے والے ہیں جو چیپٹر پڑھنے والے ہیں پہلا اس کا چیپٹر ہے کتاب الطہارہ کا لیکن ہم وہ اس لیے چھوڑ دیں گے کیونکہ ہم نے طہارت کا پوری انشاءاللہ ایک بک کریں گے پورا ایک سبجیکٹ ہے طہارت کا اور جو سیکنڈ ہے وہ ہے ادب سے متعلق ادب
अदब क्या चीज होती है, सेहत से मुतालिक, सॉरी, सेहत क्या चीज होती है। ठीक है, ये ना वो यहाँ से खिंच रहा है इसलिए आगे करते हैं इसको। जी जी, सेहत क्या चीज होती है और सेहत से मुतालिक क्या चीजें हैं जो हम अपनाते हैं। तो सेहत के आदाब के अंदर अगर आपके पास किताबें हैं तो आप चैप्टर खोल लें, नहीं तो अपने साथ वालों के साथ शेयर कर लें। पहली तो बात मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी कि सेहत का ताल्लुक किस चीज से है, सेहत का ताल्लुक किस चीज से है। अब आ रही है आवाज पीछे, खाने पीने से, बिल्कुल। वो तो सेहत की दो किस्में हो गई, लेकिन सेहत का ताल्लुक जैसे इन्होंने कहा खाने पीने से, क्या सिर्फ खाने पीने से है? नहीं, सोच से भी है, आपकी एक्सरसाइज से भी है, शाबाश। यानी सेहत का ताल्लुक इन सब चीजों से है। आप सोचते क्या उसका भी आपकी सेहत पे असर है, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी आपकी कितनी है उसका भी आपकी सेहत के ऊपर असर है, आप सोच क्या रखते हैं, क्या आपके ख्यालात हैं या क्या आपकी फिक्रें, उसका भी आपकी सोच पे असर है। तो हर एंगल से आप देखें तो सेहत के ऊपर ये सारी चीजें असरअंदाज होती हैं। अब सेहत के आदाब आप ये चैप्टर निकालिए। सेहत खुदा की अजीम नेमत भी है और अजीम अमानत भी है। ठीक है, ये इतनी बड़ी नेमत है जिस नेमत का शायद अंदाजा हम उस वक्त ही लगा सकते हैं अगर हम किसी अस्पताल का कभी विजिट कर लें। यकीन जाने फिर तो इतनी सेहत की कदर आती है ना कि जब आप बाहर निकलते हैं तो सिर्फ शुक्र ही अदा हो रहा होता। दूसरा, उस वक्त हमें सेहत की कदर आती है जब हम खुद बीमार पड़ जाते हैं, उठ नहीं सकते तो फिर हम कहते हैं सेहत बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन वैसे हम दिन रात चलते फिरते रहें तो हमें एहसास नहीं होता। तो सेहत एक अल्लाह ताला की अजीम नेमत है, ये कह सकते हैं आपके ईमान के बाद जो सबसे बड़ी दौलत नेमत है वो सेहत है। और इस सेहत का जैसे इन्होंने कहा, सेहत सिर्फ जिस्मानी सेहत नहीं होती, रूहानी सेहत भी होती है, जज्बाती सेहत भी होती है, जिसको कहते हैं मेंटल हेल्थ भी। एक चीज अब हम सुन रहे हैं जो हम पहले नहीं सुनते थे, हम फिर समझते हैं कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ है, मेरे हाथ बाजू टांग चलती रहे, आंखें चलती रहे, ये बस सेहत है। नहीं, मेंटल हेल्थ भी एक चीज है। तो ये ना सिर्फ नेमत है बल्कि क्या है, अमानत भी। तो अमानत की पूछ होती है जी, अमानत की पूछ होती है, इससे हमें पता चला इसकी पूछ होनी है। दूसरी बात, क्या चीज अमानत, क्या आपकी अपनी चीज है या आपको किसी ने दी हुई है, किसी ने दी हुई, तो वो जब चाहे अमानत वापस ले ले। ठीक है, तो इस नजरिए के साथ सेहत को आप देखते हैं। तो सेहत की कदर कीजिए और इसकी हिफाजत में कभी लापरवाही ना बरतिए। एक बार जब सेहत बिगड़ जाती है तो फिर मुश्किल से ही बनती है, और ये वाकई बिल्कुल सही बात है। कोविड पेशेंट्स को पूछने बेचारे इतने अरसे दराज तक, उसके बाद वो कहते हैं हमारी सेहत ही वैसी नहीं हुई, वो बात नहीं बनी। जिस तरह हकीर दीमत बड़े बड़े कुतुब खानों को चाट कर तबाह कर डालती है, इसी तरह सेहत के मामले में मामूली सी गफलत और हकीर बीमारी भी जिंदगी को तबाह करके डालती है। सेहत के तकाजों से गफलत बरतना और इसकी हिफाजत में कोताही करना बेहिसी भी है और खुदा की नाशुक्री भी। कैसे नाशुक्री है, एक नेमत है, नेमत की शुक्रगुजारी होनी चाहिए, और जब आप नेमत की शुक्रगुजारी नहीं करते उसको, यानी उसकी नाकदरी करते हैं तो उसकी नाशुक्री हो गई। उसकी नाकदरी ना करें कि जैसे ओ ऑलवेज हमारे पास तो सेहत रहनी है तो कुछ नहीं होता मुझे। यकीन जाने इंसान प्लान्स बनाता है, मैं उस दिन ऐसे कर लूंगी, मैं वहां जाऊंगी, ये करूंगी, और उसके बाद हाल क्या होता है, फिर अल्लाह माफ करे कोई बीमारी आ जाती है, बिस्तर से भी नीचे पैर नहीं रख सकता। और कितने ही सारे आपने ऐसे लोगों से वाकयात सुने हैं कि भाई अच्छे भले थे, उसके ये बीमारी लग गई, अच्छे भले थे डॉक्टर ने ये बता दिया। इसका मतलब जब तक सेहत की नेमत है उसकी कदर करनी चाहिए, उसको एक ब्लेसिंग समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझे दी भी और जरूरी नहीं हमेशा रहे। इंसानी जिंदगी का असल जौहर अकल और अखलाक और ईमान और शऊर, और अखलाक और ईमान और शऊर की सेहत का दारोमदार भी बड़ी हद तक जिस्मानी सेहत पर है। अकल और दिमाग की नशोनुमा, फजाइल अखलाक के तकाजे और दीनी फराइज को अदा करने के लिए जिस्मानी सेहत बुनियाद की हैसियत रखती है। यानी आपकी सेहत होगी
तो आप दीन के भी काम कर सकेंगे, आप अपने काम भी कर सकेंगे और दूसरे के भी किसी के काम आ सकेंगे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को कवी मोमिन कमजोर मोमिन से ज्यादा महबूब है और वो उससे ज्यादा बेहतर है, यानी आप ताकतवर है। वो फरमाया दोनों में खैर है, लेकिन अल्लाह ताला को कौन ज्यादा पसंद है? एक अगर कमजोर है और एक ताकतवर है ना, अल्लाह ताला को ताकतवर पसंद है। क्यों? इसलिए कि ताकतवर कुछ कर तो सकता है। आप देखें, आप अगर इतने ही कमजोर नहीं हैं कि आप उठ के खड़े नहीं हो सकते, आप नमाज क्या पढ़ेंगे, आप रोजा क्या रखेंगे, आप हज उमरे पे क्या जाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। आप दूसरों की क्या हेल्प करेंगे, आप तो दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो आपके दीन की भी इबादत की भी सारा डिपेंडेंसी आपकी सेहत के ऊपर है। कमजोर और मरीज जिस्म में अकल और दिमाग भी कमजोर होते हैं और इनकी कारगुजारी भी नहायत ही हौसला शिकन, यानी जब आपके जिस्म कमजोर होगा तो दिमाग भी काम क्या करेगा, और जब जिंदगी उमंगों वलवलों और हौसलों से महरूम हो और इरादे कमजोर हों, जज्बात सर्द और मुजमहल हों, ऐसी बेरौनक जिंदगी जिसमें नातवां के लिए वबाले जान बन जाती है। यानी इंसान अगर डिप्रेशन का ही शिकार है, उसकी बिल्कुल ही कोई अंदर उमंग ही नहीं है, कोई उठने की चाहत ही नहीं है, तो वो कैसी उसकी जिंदगी होगी, वबाल ही होगी। जिंदगी में मोमिन को जो आला कारनामे अंजाम देने हैं और खिलाफत की जिस अजीम जिम्मेदारी से ओहदा बरा होना है, उसके लिए जरूरी है कि जिस्म में जान हो, अक्लो दिमाग में कुव्वत हो, इरादों में मजबूती हो, हौसलों में बुलंदी हो और जिंदगी वलवलों उमंगों और आला जज्बात से भरपूर हो। यानी आप फिजिकली भी सेहतमंद हो, आप मेंटली भी सेहतमंद हो। सेहतमंद और जिंदा दिल अफराद से ही जिंदा कौमें बनती हैं, और ऐसी कौमों में कारगाह हयात में आला कुर्बानियां पेश करके अपना मकाम पैदा करती हैं और जिंदगी की कदरों अजमत समझाती हैं। यानी जब आप की कौम पूरी की पूरी सेहतमंद अफराद पे मुश्तमिल होगी तो कुछ काम कर सकेगी, कुछ उस मुल्क के लिए भी तरक्की कर सकेगी, अपनी कौम के लिए भी, लोगों के लिए भी, अपने लिए भी। तो पहली चीज जो इन्होंने यहाँ पे लिखी है कि हमेशा खुश खुर्रम, हशाश बहशाश और चौको चौबंद रहिए, यानी एक्टिव रहे, एक्टिव लाइफ है, सुस्ती नहीं। आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में भी एक दुआ है कि अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्न वल अज़्ज़ी वल कसल, सुस्ती से, आज़ी बेचारगी, बस ऐसे गिरे पड़े हैं, इस तरह उठ ही नहीं रहे, इससे भी पनाह मांगिए। खुशबाशी, खुश अखलाकी, मुस्कुराहट, जिंदा दिली से जिंदगी को आरास्ता, पुरकशिश और सेहतमंद रखिए। गम, गुस्सा, रंज, फिकर, हसद, जलन, बदख्वाही, तंग नजरी, मुर्दा दिली और दिमागी उलझनों से दूर रहिए। क्यों क्यों दूर रहे इनसे? क्योंकि ये सिर्फ आपको मेंटली नहीं डिस्टर्ब करती, आपकी सेहत को खराब कर देती है। आप बताएं, ब्लड प्रेशर की बीमारियां, हार्ट की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां, कितनी सारी बीमारियां किसके साथ ताल्लुक रखती हैं? गम, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, हसद। जब आप हसद इतना कर रहे हैं तो फिर जाहिर है फिक्रें होंगी, क्या है वो आगे निकल गया, मेरे रात को नींद नहीं आती, इस चीज का ही गम लगा हुआ है कि कोई आगे चला गया और मुझे ये चीज क्यों नहीं मिली, इसको क्यों मिल गई। तो ये चीजें बीमारियां हैं, ये दिल की बीमारियां। जब दिल बीमार होगा, जिस्म ऑटोमेटिकली बीमार होगा। और इसीलिए आप देखें कि कितनी सारी आज बीमारियां, आज हमारे अस्पताल, हमारे अपने मुल्क में देखते हैं अस्पताल कैसे भरे हैं। एक बीमारी आती है वो जाती भी नहीं तो दूसरी का पता चलता, दूसरी जाती नहीं तीसरी का, और अभी हम कितनी बड़ी एक बीमारी के उससे निकल के हटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अच्छा ये मेरे ख्याल में हमने नहीं किया, ये अखलाकी बीमारियां और जहनी उलझने मेदे को बुरी तरह मुतासर करती हैं। आपको पता है कई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स इसकी वजह से होते हैं, और मेदे का फसाद सेहत का बदतरीन दुश्मन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सीधे साधे रहो, मियाना रवि इख्तियार करो और हशाश बशाश रहो, क्योंकि कुरान भी कहता है ना, कुलू वशराबू वला तुसरिफू, ना अगर खाओ पियो इसराफ ना करो। मियाना रवि जब होगी ना, दरमियाना, ना तो अपने आप को स्टार्व कर दो और ना ही इतना खा लो जैसे कि हम खाते हैं कि वो फिर उसके बाद सुस्ती इतनी कि फिर उठा ना जाए और नींद इतनी कि फिर जागा ही ना जाए, क्योंकि जाहिर है जब आप ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा, फिर तो सुस्ती आएगी ना, ज्यादा खाना सुस्ती का हुआ।
और इसी तरह फिर इंसान को नींद भी इतनी आती है जब सारा, या तो आप इतने कमजोरी बहुत ज्यादा है तब आएगी नींद, या फिर आप ओवर ईट करते हैं तब आएगी, और मोटापे का तो आज हम सारे ही शिकार हैं। तो जहां ये चीजें हमारी डाइट से मुतालिक हैं, ठीक है, हमारे फूड्स ऐसे नहीं है कि जो हमारी सेहत के लिए अच्छे हों, वहां हमारी अपनी चॉइसेस भी कई हैं जिसकी वजह से हमारी सेहत खराब होती है, और वहां पे हमारे अपने भी कई कसूर हैं। तो सारा कसूर हम उस पर नहीं डाल सकते कि ये आप गजाएं ही ऐसी हैं, बाज चीजें हमारी अपनी भी कोताहियां हैं। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बूढ़े शख्स को देखा कि वो अपने दो बेटों को सहारा लिए हुए उनके बीच में घिसटते हुए जा रहा है। अजान से इकामत के दरमियान जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको हमारे लिए मुनाफे बना दे, या आदाब हमारी ज़िंदगी में शामिल फरमा दे, हम सब की हाजतों को पूरा फरमा, हमारी बीमारियों को दूर फरमा, हमारी औलादों को नेक और साले बना, हमारे घरों पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा, हमारे जो भी काम है रुके हुए या जो भी हमारे मसाइल हैं अल्लाह ताला उनको दूर फरमा दे, हम फरमा दे अपनी रहमत से। अच्छा, तो एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बूढ़े शख्स को देखा कि वो अपने दोनों बेटों का सहारा लिए हुए उनके बीच में घिसटते हुए जा रहे हैं। आपने पूछा इस बूढ़े को क्या हो गया, लोगों ने बताया उसने बैतुल्लाह तक पैदल जाने की नजर मानी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला इसे बेनियाज है कि यह बूढ़ा खुद को अजाब में मुबतला करे, और इस बूढ़े को हुक्म दिया कि सवार होके अपना सफर पूरा करो। क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये चीज कोई पसंदीदा नहीं है कि आप अपने आप को मुसीबत में डाल के कोई इबादत करें, जबकि आपके पास मसलन वसाइल हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे हम एसी ना चलाएं, एसी है लेकिन बस चला नहीं रहे क्योंकि पता नहीं इसमें ज्यादा हमें सवाब मिलेगा कि मैं गर्मी में इबादत करूं, ऐसा नहीं। रोजा रखने के लिए आपके पास सहरी का टाइम है, आपके पास घर में खाना भी है, लेकिन आप नहीं खाते कि नहीं मैं इसके बगैर रखूंगी ना तो फिर मुझे ज्यादा सवाब मिलेगा, उसमें ज्यादा सवाब नहीं है। तो अपने आप को खाम खा एक मुशक्कत में डालना सिर्फ इसलिए ये समझ के कि इसके में सवाब ज्यादा मिलेगा, ये कोई दुरुस्त रवैया नहीं। अल्लाह ताला को इसकी कोई मोहताजी नहीं है कि ये इस तरह से करके दिखाए। हजरत उमर ने एक बार एक जवान आदमी को देखा कि मरियल चाल चल रहा है। आपने उसको रोका, अच्छा तुम्हें कोई बीमारी है, उसने कहा कोई बीमारी नहीं है। आपने अपना दुर्रा उठाया और उसको धमकाते हुए कहा रास्ते में पूरी कुव्वत के साथ चलो। ऐसे बिल्कुल गिर के ऐसे मरियल होके ऐसे जा रहे हैं जैसे बच्चे भी कभी कभी इस तरह शड़प शड़प करते पैरों को, नहीं सीधे होके एक्टिव होके। इस्लाम आपको कैसा देखना चाहते है, एक एक्टिव मूवमेंट, पता चले कि भाई एक बंदा जा रहा है, इसमें क्या डिग्निटी रह जाती है ऐसे करके, ऐसे अपने आप को गिराया बड़ा इस तरह से जा रहा है।
तो ऐसे नहीं, तो उन्होंने तो एक दुर्रा उठाया, एक मारा उसको, सीधे होकर चलो। इसमें कोई नेकी नहीं है कि आप इस तरह जा रहे हैं, बड़ी अपनी आजी दिखा रहे हैं, ये कोई आजी की बात नहीं। मोमिन अल्लाह ताला को कैसा पसंद है, कभी आपके अंदर कुवत है, सीधे होके स्ट्रेट होके सही तरह तरीके से चले। तो आज का हमारा क्लास का टाइम यहीं पे ख़त्म होता है, इंशाल्लाह ताला ये दो पेज ही हम कर पाए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह और कहीं करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे ख्याल कुछ बहनों को पता नहीं था, वो ईस्टर्न टाइम के मुताबिक 1 बजे आई हैं, तो ये क्लास का टाइम सेंट्रल टाइम के मुताबिक 12 बजे का है। 12 बजे इंशाल्लाह हम अपनी क्लास पूरी टाइम पे शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अफसोस है कि उनका एक क्लास उनकी मिस हो गई, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आप टाइम पे आइएगा। कोई फीडबैक देना चाहता है कि उनको ऑनलाइन क्लास में और ऑनसाइट क्लास में कुछ फर्क लगा? जी अच्छा, लाइक यू अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल एक एक कदम पे अजर है और मजे का मजा है। तो अब आप लोग आएंगे ना सारी क्लासों में इंशाल्लाह लाइव, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला साबित कर दिए ता फरमाए। मैं देखूंगी कि नेक्स्ट क्लासेस में भी इतनी तादाद रहनी चाहिए, ये नहीं कि श्रिंक हो जाए। अब किसी का इंशाल्लाह इंशाल्लाह किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले जी। अच्छा इसके ऊपर हम गौर करेंगे इंशाल्लाह, वंस अ वाइल के लिए ठीक हो सकता है और तो नहीं। किसी का जज़ाकुम अल्लाह खैरन कसीरा, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। आपने यहाँ पे किसी ने लिखा है, मैंने किसी का क्वेश्चन था यहाँ पे, अगर कोई क्वेश्चन नोट किया किसी ने लिखा है यहाँ पर कि मैंने वादा किया था कि मैं आप लोगों से जो दावा में सबसे ज्यादा जिन रजिस्ट्रेशन लेकर आएंगे तो उनके साथ इंशाल्लाह वीडियो कॉल करूंगी इंशाल्लाह ताला। सिस्टर नाज़नीन आप इसको स्केड्यूल करें इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।